हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लाजिल सस्पेंशन के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन है। बच्चों को कई सारी समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये फ्लाजिल सस्पेंशन जो कि अबॉट कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 33 रुपए है, जो कि 60 ml पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो ये देखते हैं बेंजोइल मेट्रोनिडाजोल 200 mg/5 ml। दोस्तों इस सस्पेंशन को प्रोटोजोआल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसमें दी जाती है। नंबर 2, पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, दस्त हो रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए दी जाती है, ये दस्त को ठीक कर देता है। नंबर 3, लीवर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। नंबर 4, वेजिनल इन्फेक्शन हो। नंबर 5, मस्तिष्क में हो। नंबर 6, फेफड़े में हड्डियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। नंबर 7, आंतों में इन्फेक्शन हो। नंबर 8, स्किन में इन्फेक्शन हो। नंबर 9, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो। नंबर 10, डेंटल प्रॉब्लम हो, दांतों में इन्फेक्शन हो। नंबर 11, पेचिस हो, पेट में मड़ोर आना। तो दोस्तों इस सिरप को इन सभी प्रॉब्लम्स में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो इस सिरप को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग बच्चे के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। 20 mg/30 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये सिर्फ आप यूज कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर 1, लीवर पेशेंट प्रयोग ना करें। नंबर 2, अगर कैल्शियम की कमी हो तब भी प्रयोग ना करें। नंबर 3, प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस सिरप के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बार दफा प्रयोग करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि उल्टी, ड्राई माउथ, हेडेक, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका प्रयोग करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो फ्लाजिल सस्पेंशन के बारे में। फिर इन नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।